भारतवासियों बहुत देखा है, बहुत हमने विरोध किया है, सदैव न्याय के लिए बात की है। आज देख लो किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, तानाशाही करी जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हमें किसान भी माना और हमारे आंदोलन को भी उन्होंने माना है। आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट की किस प्रकार से अवहेलना आदित्यनाथ योगी का प्रशासन और दिल्ली का प्रशासन कर रहा है, किस तरह से आज देश को समझना पड़ेगा कि भारत के किसान का किस प्रकार से दमन करने के लिए आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसा षड्यंत्र किया है। देशवासियों, अगर आज हम कुछ ले गए तो कल आपकी भी बारी है, लड़ना तो पड़ेगा। ये अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इनको कोई अपना अलग से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये किसान समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अगली नस्लों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये फसलों और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक दिल्ली के आसपास जो धरने लगे हैं उन पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और धरनों को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। अब हम 99% ये लड़ाई जीत चुके हैं। सरकार का ये आखिरी षड्यंत्र था जो सरकार ने 26 जनवरी को किया। अब सरकार के सारे हथकंडे और सारे षड्यंत्र फैल हो चुके हैं। किसान निश्चित तौर पर जीतेगा, दुनिया की कोई ताकत किसान को जीतने से नहीं रोक सकती। यहाँ राकेश टिकैत अभी कुछ अपडेट दे रहे हैं। अगर कोई गलत आदमी है जिनकी मंशा गलत है वो यहाँ से छोड़ दे, चला जाए यहाँ से। अगर पकड़ा जाएगा जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ नाम से बयान दर्ज करेंगे। ये वो लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं, ये पुलिस ने FIR दर्ज की है नेताओं पर। तेजिंदर सिंह विर्क, बाजवा और राकेश टिकैत पर बहुत नहीं जिम्मेदारी का यह देख रहे हैं जो लोग हैं उसको दे रहे हैं। क्या धारा 144 लगा देगी ये? क्या अपने लोग मीडिया के साथ कर रहा था? आप भी के अंदर घुस रहा था जी, यही पे घुस रहा था। धारा 144 लगाई गई है क्या? धारा 144 अभी पता चल जाएगी जो भी है उसकी, अभी पता चल जाएगी। साइड में ले भाई, साइड में अभी बताएंगे उसको, पुलिस को देंगे उसको। राकेश जी, धारा 144 का नोटिस दे दिया उसको, पुलिस को दे दिया, पुलिस को दे दिया। धारा 144 लगा दी गई है, इस पर क्या कहना? अरे चलो कर लेंगे बात, आप भी आराम कर लो भाई, मैं भी कर लूंगा, खराब हो गया मैं दे दूंगा, अभी पुलिस को देख लो उनसे वापस। तो धारा 144 की का नोटिस यहाँ पे लगाया गया है और राकेश टिकैत कुछ मिस्क्रिएंट्स को पकड़ने की बात कर रहे हैं जिनको पुलिस को सौंपा जाएगा और पुलिस की गश्त वहाँ पे जारी है। वहाँ पे आमदरफ्त कुछ हो रही है, कुछ बाइट लोग दे रहे हैं, हम लोग कुछ वहाँ चलने की कोशिश करेंगे। एक लड़के को डिटेन किया गया है, पुलिस को हैंडओवर किया गया है, पुलिस उसको अपने कब्जे में लेकर के थाने ले जा रही है। किसान मोर्चे के बीच से इनको गिरफ्तार किया गया है। राकेश टिकैत ने इनको पकड़ करके ये किया गया है। ये है, ये लड़का है जिसको गिरफ्तार किया गया है। और इनको जो है ये जो जैकेट वाला है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। इस पर आरोप लगा है कि ये BJP का और RSS का गुंडा है। राकेश टिकैत ने इनको थप्पड़ मारा है और फिर इनको लोगों ने कब्जा किया है और फिर उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो तनाव आप देख रही हैं उसमें क्या आपको लग रहा है? आपने अभी तेजिंदर सिंह विर्क से आपने बात की, तो तेजिंदर सिंह विर्क जिस तरीके से कह रहे हैं कि उन पर पर्चा दाखिल हो गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या आपको लग रहा है?
देखिए पहली बात तो मीडिया चैनल्स को देखने के बाद यही लग रहा है कि आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आंदोलन की जो सच्चाई है वो पूरी सामने आ रही है कि आंदोलन जो है इनका कम नहीं हुआ है और तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जो तरई किसान संगठन के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये जो आंदोलन है ये आगे भी जारी रहेगा, इसी तरह से आगे लेके इसको जाते रहेंगे और पुलिस प्रशासन चाहे जो कुछ भी करती रहे लेकिन हम अपनी अपने जो रवैये पे है उस पे अड़े रहेंगे और कृषि कानून रद्द होने के बाद ही हम यहाँ से हटने वाले हैं। हुजूम अभी कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है। यहाँ पे मंच पे लोगों को भुला लिया गया है पीछे के ट्रॉलियों को, तो जो व्यूह रचना है आंदोलनकारियों की वो भी अपनी तरफ से बहुत ही सतर्कता बरत रहे हैं। आमतौर पर सारे लोग जो हैं शाम को अपने अपने तंबू में चले जाते थे, लेकिन आज लोग इसी आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे अपनी रजाई वगैरह लेकर के सो रहे हैं। देखिए ये बच्चे सो रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? ये लोग सो रहे हैं, तो क्या आज रात यहीं बिताएंगे आप लोग भाई साहब? बिल्कुल बिताएंगे रात यहीं बिताएंगे। कहाँ जाने वाले हैं? यही रात बिताएंगे। 65 दिन तक जब यहाँ रुके हैं तो कहाँ जाएंगे? आज की जो रात है ना, हमारा बिस्तर सड़क है और हमारा आसमान है। हम आसमान के साये तले हैं और गुरुविंद सिंह भी देख रहे हैं ऊपर से, भगवान भी देख रहा है ऊपर से, अल्लाह भी देख रहा है ऊपर से। आज भारतवासियों बहुत देखा है, बहुत हमने विरोध किया है, सदैव न्याय के लिए बात की है। आज देख लो किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, तानाशाही करी जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हमें किसान भी माना और हमारे आंदोलन को भी उन्होंने माना है। आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट की किस प्रकार से अवहेलना आदित्यनाथ योगी का प्रशासन और दिल्ली का प्रशासन कर रहा है, किस तरह से आज देश को समझना पड़ेगा कि भारत के किसान का किस प्रकार से दमन करने के लिए आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसा षड्यंत्र किया है। देशवासियों अगर आज हम कुछ ले गए तो कल आपकी भी बारी है, लड़ना तो पड़ेगा। सारे रूमर्स फैलाए गए और क्या क्या हुआ सुबह से लेके अब तक? देखिए ये प्लानिंग कल रची गई और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित प्लानिंग थी। कल 11 बजे के आसपास लाइट काट दी गई। राकेश टिके जी बहुत महत्वपूर्ण बैठक में सिंगो बॉर्डर गए थे। कुछ लोगों का मुझे फोन आता है कि भाई आज राकेश टिके जी को आप उधर ही रखो। वो ऐसे लोग थे जिनका आंदोलन से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। मैं कहा भाई क्यों रखे? कह रहे वो कभी सिंगो बॉर्डर रुके नहीं, उनको कहो आज वहीं रुके, सबसे मिले काम करें। जब 3-4 वैसे फोन आए तो मेरा माथा ठनका। उसके बाद जब लाइट काटी गई तो हमें लगा कि ये बिल्कुल क्लियर कट है कि आज कुछ होने वाला है। और उसका तरीका इन लोगों ने ये सोच लिया है कि राकेश टिकैत यहाँ नहीं होंगे तो शायद गिरफ्तारी आसान होगी। हमने राकेश टिकैत जी को कहा कि आप किसी भी तरह से वहाँ से निकलिए। उनके पास जो सुरक्षा के लोग थे उनको भी हमने अलग किया और वो कुछ बीच में काम थे और राकेश टिकैत जी अपने सिस्टम से यहाँ से पहुँचे। दिल्ली में भी उनको मना किया हमने जाने के लिए और वो किसी न किसी तरह से यहाँ आए। सबसे पहले उन्होंने पूरा एक धरने का गश्त लिया, उसके बाद बहुत पुलिस फोर्स बढ़ाई गई, ये सब चीज़ें चलती रही। राकेश टिकैत जी 4 बजे तक, अभी करीब करीब 4 बजने वाले हैं, राकेश टिकैत जी 4 बजे तक घूमते रहे किसानों के साथ में। लाइटों के लिए हमने अपने ट्रैक्टर स्टार्ट करवाए, लाइटें जलवाई। हमें पता था कि प्रशासन गिरफ्तारी चाहता है, लेकिन हमने प्रशासन के कुछ लोग आए उन्हें भी स्पष्ट मैसेज दिया कि अगर रात में कुछ भी हुआ तो अगर यहाँ पे लोग मरते हैं तो आप हिंसा करोगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, कल इस पे बात करेंगे। आज दिन में भी यही सब घटनाक्रम चलता रहा। करीब लगभग 4 बजे के आसपास एक अधिकारी आया कि भाई आपको ये स्थान खाली करना पड़ेगा। हमने कहा आप रिटर्न में दीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी याचिका हमारे खिलाफ लंबित है कि इनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से किसानों को कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे गाजियाबाद का कलेक्टर सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा नहीं है, उसको 133 IPC का नोटिस देने का अधिकार नहीं है। जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट की याचिका नहीं पूरी हो जाती, उसके बाद भी जायजती करने का प्रयास किया। हम संयुक्त मोर्चा के जो हमारे लीगल लोग हैं नोटिस भेज दिया है, हम उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हमें कहा गया तो हमने देखा कि देखिए आज संख्या बल कम है और अच्छा यही होगा कि अब कोई हिंसा ना हो। पहले ही बहुत बदनाम किया जा चुका है,
हमने लोगों को बताया, मंच पे भाषण चल रहा था कि देखिए ये खाली कराने के लिए आए, लोगों ने कहा कि भाई हम खाली नहीं करेंगे, आप खाली कराना चाहते हो कराओ, आप हमारे टेंट पाड़ो और आप जो है टेंट पाड़ो लट मारो, हम तैयार हैं। उसके बाद जो एक प्रायोजित षड्यंत्र था, हमने देखा कि पीछे की तरफ हमारे वॉलंटियरों ने बताया, नीचे की तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास लगी गाड़ी में गुंडे लाए गए, दो दो चक्कर लगाए गए, 8-10 गाड़ियां थी, वे करीब 300 लोग थे और 1000 पुलिस वाले उनके सामने खड़े थे। उसके बाद भी वे बढ़ते चले गए, यानी कि उनको पूरी छूट थी कुछ भी करने की। नीचे आके उन्होंने लाठियां बांधी, हम यहाँ पे अपने लोगों को बात करने में लगे हुए थे मंच पे, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत जी को कहा, पता लगा कि ऐसा हो रहा है, उन्होंने कहा भाई तैयार हो जाओ, अब मरने का समय आ गया है, हम अपने बुजुर्गों की और आंदोलन की बेइज्जती नहीं होने देंगे, और यहाँ का षड्यंत्र ये है कि पहले नेताओं की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ये टेंट फाड़े जाए, यहाँ लोगों को पीटा जाए और ये दिखाया जाए कि देखो राष्ट्रवादी लोगों ने देशद्रोहियों को पीटा, यानी कि जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने जो है उन लोगों को सपोर्ट किया है जो बलात्कार के आरोपी हैं, और बलात्कार के आरोपी के लिए तिरंगा हाथ में थाम कर जिन्होंने रैली निकाली, ये वो लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में तिरंगा उतार के उसका अपमान किया, ये वे लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के सेशन कोर्ट के ऊपर तिरंगा हटा के भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया, ये वे लोग हैं जिन्होंने अभी 26 जनवरी को कौशाम्बी गाजियाबाद के अंदर तिरंगे से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। इनको देश को राष्ट्रवाद के नशे में, फर्जी राष्ट्रवाद के नशे में धकेलने की इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, और ये सबसे बड़े नकली राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी वो हैं जो आज यहाँ किसान पड़ा है। दर्शकों, असली देशभक्त वो है जो -10 के अंदर भी खेत में खड़ा होकर आपके लिए गेहूं पैदा करता है। आप पैसे दे सकते हो, लेकिन अगर आप एक साल खेती करो, अपना खुद का भोजन तैयार करो, तो आपको एहसास होगा कि किसान किस परिस्थितियों में आपकी थाली में खाना पहुंचाता है। ये पूरा षड्यंत्र था। यहाँ का विधायक लोनिकानंद किशोर गुजर, एक विधायक यहाँ का कोई शर्मा, अपनी गाड़ियों से लोगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, और हमने तय किया है कि हमारा एक छोटा टुकड़ा, एक जनपद के लोग कल यहाँ से प्रार्थना पत्र लेकर जाएंगे, और उनके विधायकों के खिलाफ जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाता तब तक थाने को नहीं छोड़ेंगे। और हम ये कहते हैं कि भाजपा का षड्यंत्र है, और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा नहीं है, तो जो दो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको तुरंत भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करें अगर उनकी इंडिविजुअल राय है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। राकेश टिकैत जी ने जिस तरह से भावुकता से अपील की है और जिम्मेदारी ली है कि किसान देश के अंदर ट्रैक्टर लेके मैंने बुलाए थे दिल्ली के अंदर, अगर उन पर कुछ भी कार्रवाई होती है, उनकी कोई गलती नहीं है, कॉल मैंने की थी, उसके जिम्मेदार मैं हूँ, तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और उन्होंने आज एक और बात कही थी कि आत्महत्या कर लूंगा, गोली खा लूंगा, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं होती तब तक घर नहीं जाऊंगा। कि मैं आम लोगों को, किसानों को, नौजवानों को सिर्फ एक ये संदेश देना चाहता हूँ, चाहे चौधरी राकेश टिकैत जी हों या हमारे अन्य वरिष्ठ किसान नेता। दूसरी बात ये है कि जो हमारे किसान नेताओं के एक एक आंसू बहे हैं, ये एक एक आंसू मोदी सरकार को और योगी सरकार को बड़े महंगे पड़ने वाले हैं। किसान समाज एक एक करके इनका हिसाब किताब करेगा।